हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट है उनका जो फीस स्ट्रक्चर है गाइस, उसके रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट आया है। तो ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वो जो प्राइवेट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वीडियो बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आपको ऐसे एजुकेशनल अपडेट कर रहे हैं रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलो बात कर लेते हैं ये अपडेट एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में। राज्यातल्या खासगी विद्यापीठांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याच्या हालचाली आता सुरू आहेत। येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हा निर्णय लागू होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे आगामी काळात खासगी विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांच्या शुल्कावर सरकारचं नियंत्रण राहू शकेल। मात्र या निर्णयाला खासगी विद्यापीठांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे। खासगी विद्यापीठातल्या अभ्यासक्रमाचं शुल्क हे तिप्पट ते चौपट आहे आणि या विद्यापीठांकडून स्वतःची प्रवेश परीक्षा घेऊन त्यामध्ये मिळणाऱ्या गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्यात येतो, त्यामुळे या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली जात होती। त्यानुसार सरकारनं खासगी विद्यापीठांबाबत सुधारणा विधेयक मांडले आणि या विधेयकाला मान्यता मिळाल्यास खासगी विद्यापीठांचं शुल्क प्राधिकरणामार्फत ठरवण्यात येणार आहे।